हाय क्लास नाइन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ना एक्सरसाइज 7.2 न्यू एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 6 मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिगर इन्होंने दी हुई है, मैं सॉल्यूशन करेंगे। कहता है ट्राइंगल ए बी सी, देखें ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। अब इन्होंने कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में खुद करी, कहा बी ए इज प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, इस बी ए को डी तक ले गए इस तरीके से सच दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी, ए डी और ये जो ए बी है ये इक्वल हो गया। यू हैव टू शो दैट बी सी डी, बी सी डी इज ए राइट एंगल, ठीक है, यानी ये वाला एंगल आपको क्या दिखाना है, 90 डिग्री तो लिखते हैं टू शो, ठीक, बहुत ध्यान से देखेंगे, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में आएंगे पहले आइसोसेलस ट्राइंगल्स है, वी नो डैट एनी टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल एंड देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, तो वही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ए बी इक्वल्स टू ए सी लिखेंगे गिवन, ठीक, और ए बी के ठीक सामने कौन सा एंगल है, देखो जहाँ जहाँ पेन चला रहा हूँ मैं, ये और ये इतना एंगल, ठीक, ओके, इसको वन मानते हैं और इसको टू मानते हैं, तो इस साइड के ठीक सामने एंगल वन और इस ठीक साइड के सामने ये वाला एंगल एंगल टू इक्वल, लिख देंगे बाई थ्योरम, ठीक, कि इफ टू साइड्स आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मैं लिखूंगा तो एक और थोड़ा लेंदी हो जाएगा काम, जो बोला है वो आप लिख लेना। आ जाओ अब इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी में, ठीक है, आ जाओ सुनो एक बात बताओ, ए बी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, यहाँ कर लेते हैं जरा पहले हम काम, ए बी ए डी के इक्वल है गिवन, ठीक, तो एक काम करो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसको टू मान लो, ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, ठीक, देखो यहाँ पर भी ए बी ए सी के इक्वल, ए बी ए डी के इक्वल, तो हम कह सकते हैं ए सी और ए डी इक्वल, ठीक है, तो देखो ए सी ए डी किस ट्राइंगल में आ रहा है, इसी ट्राइंगल में तो आ रहा है, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए सी डी, इस अब ये भी आइसोसेलस ट्राइंगल बन गया, तो इसके ठीक सामने ये वाला एंगल से दिस एंगल इज फोर मान लो इसको, और इसके सामने ये वाला एंगल, ठीक, जहाँ जहाँ पेन चला रहा हूँ बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, इसको मान लो थ्री, तो एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर, ठीक है, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये वाला नहीं, ये वाला ये दिस, ठीक है, क्योंकि ए सी के ठीक सामने एंगल फोर है और ए डी के ठीक सामने एंगल थ्री है, समझ में आया, आ जाओ जो आप सुनो सेम थ्योरम। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना है इन ट्राइंगल बी सी डी, पूरे ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है, एंगल टू प्लस ये पूरा एंगल कितना है, वन प्लस थ्री, एंगल वन प्लस थ्री, ठीक, प्लस ये वाला कितना एंगल है, एंगल फोर, कितना हो गया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। जब आप काम करते हो ना एंगल्स वाले क्वेश्चंस पे, तो देखो बी सी डी को मैंने 1 प्लस थ्री एज्यूम कर लिया था, आपको यहाँ पे दिखाना है 1 प्लस थ्री इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक तरीके से 1 प्लस थ्री, ये 1 प्लस थ्री तो बनेगा ना, ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही ब्रैकेट में भी रख लिया। अब देखो 2 की वैल्यू कितनी है, 2 किसके इक्वल है, 1 के, तो 2 को हटाना है, मेरे को तो 1 चाहिए, 1 और 3 चाहिए ना, तो 2 की जगह 1 पुट करा, 1 को 1 ही रहने देंगे, 3 को 3 रहने देंगे, 4 की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक, इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, देखो एंगल 1 दो बार आ रहा है, 3 दो बार आ रहा है, दो कॉमन ले लेंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये 2 इसको डिवाइड करेगा 90 डिग्री, तो 1 प्लस 3 की वैल्यू कितनी है, तो इस तरीके से ये बी सी डी आपने शो कर दिया 90 डिग्री,